ये जो ओपन सरफेस बोल्ट लॉक है, आज हम इसको देखेंगे कैसे काम करते हैं। ये पावर सप्लाई है, सबसे पहले हम इसको पावर देंगे। ये जो वाइट कलर की पावर है, रिमोट ऑपरेटेड पावर सप्लाई है और ये कंटिन्यूस पावर देती रहती है इस तरीके के ईएम लॉक को। और जैसे ही ये पावर मिलेगी, इसमें जो है आप देखेंगे ग्रीन लाइट जल जाएगी। इसको आप पावर, इसको पावर सप्लाई के लॉक के पास लगा सकते हैं और थोड़ा दूर भी लगा सकते हैं जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे। अभी हमारी पावर कनेक्ट हो गई है, उसके बाद हम रेड वाला वायर जो इस पावर सप्लाई से निकलता है उसको रेड वायर से जोड़ेंगे और ब्लैक वाले वायर को ब्लैक से जोड़ेंगे। इस तरीके से डीसी प्लस डीसी नेगेटिव 12 वोल्ट इस ओपन सरफेस बोल्ट लॉक को मिल जाते हैं। अभी ओपन सरफेस बोल्ट लॉक काम कैसे करता है उसको हम देखते हैं। ये कनेक्शन हम ज़रा टाइट कर देते हैं थोड़े से। अब जैसे ही हम इस रिमोट से खोलना चाहते हैं, ये देखिए हम रिमोट का बटन दबाएंगे और ये हमने रिमोट का बटन दबाया, ये लॉक खुल गया। इस ओपन सरफेस बोल्ट लॉक में ऑलरेडी डिले सेट करने का ऑप्शन है, 3 सेकंड, 6 सेकंड या 0 सेकंड। हमने ऑलरेडी इसमें 3 सेकंड डिले सेट कर रखा है, मतलब 3 सेकंड तक के लिए ये लॉक ओपन कंडीशन में रहेगा और जैसे ही गेट इसके सामने आएगा दोबारा, ये 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिमोट भी काम करता है। और इस बोल्ट लॉक को लगाने की खास बात क्या है, आप प्लेन सरफेस एक हिस्सा चौखट पे लगा सकते हैं, एक लकड़ी के पे लगा सकते हैं, क्योंकि 90% घरों में पत्थर की चौखट मिलती है और गेट प्लेन होता है एकदम। तो ये लगाना इसको बहुत आसान है और इसको रिमोट से आप दबाओ और कहीं से भी आप इसको खोल सकते हैं। रिमोट की रेंज अराउंड 100 मीटर होती है। अब हम देखते हैं कि सपोज करो कहीं लकड़ी की पत्थर की चौखट हो या लकड़ी की चौखट हो और फुल ग्लास डोर लगा हो, जिस डोर में ग्लास ही हो, फ्रेम ना हो। तो इस तरीके की ये जो ग्लास का लिए यू ब्रैकेट आता है, इस यू ब्रैकेट को आप ग्लास में कस सकते हो और जैसे ही ये यू ब्रैकेट इसके सामने आएगा, ये लॉक ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये चौखट में पत्थर की चौखट है, लकड़ी की चौखट है, एल्यूमिनियम की चौखट में लग जाता है और जिस ग्लास में फ्रेम नहीं है वहाँ ये वाला यू ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये यू ब्रैकेट में 12 से 14 एमएम तक का आप मोटा ग्लास लगा सकते हो, जैसे हमने मोबाइल लगा के दिखाया है, और ये इस तरीके से इसके सामने आके फिट कर सकते हो। इसमें पीछे मार्जिन भी होता है कुछ, आप मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हो। यदि आपका चौखट और जो ग्लास का डोर है वो सेम लेवल पे ना हो, थोड़ा आगे पीछे हो, तो वो आप मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ओवल शेप का यू ब्रैकेट होता है जिसमें आप जो है ये क्या नाम है इसका जो बोल्ट है उसको आगे पीछे एडजस्टमेंट की इसमें सारी संभावनाएं रहती है। ये आप देखेंगे कि एक सीध में यदि करना है या आगे पीछे करना है, सरफेस मैच नहीं है तो ये कैसे होगा। ये बड़ा आसान है, पर इसके लिए ये यू ब्रैकेट तभी लगता है जब डोर जो हो ग्लास का हो और रिमोट से आप इसे ओपन कर ही सकते हैं।